हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का टॉपिक है WH क्वेश्चंस। दोस्तों आज हमें WH के बारे में जानना है। देयर आर 9 बेसिक WH क्वेश्चन वर्ड्स। दोस्तों WH वर्ड्स जो हैं वह मूल रूप से 9 होते हैं। इन WH क्वेश्चंस को हम 3 भागों में बांट रखे हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। दोस्तों सबसे पहले है हु। सबसे पहले हमें हु के बारे में जानना है कि हु एक ऐसा WH वर्ड है, ऐसा WH वर्ड है जो अपने बात सीधे मेन भाग बोलाता है। और हु सोज ओनली पर्सन, हु हमें क्या बताता है? तो हु सोज ओनली पर्सन यह किसी व्यक्ति को दिखाता है। और हु फाइंड आउट करता है सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। हु किसे फाइंड आउट करता है? तो यह सब्जेक्ट को तलाश करता है, खोज करता है और ऑब्जेक्ट को खोज करता है। जैसे हम वाक को देखेंगे, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अर्थात इसमें क्या फाइंड आउट कर रहा है? सब्जेक्ट को। इसे बनाएंगे तो रूल क्या कर रहा है? सबसे पहले क्या लिखिए? हु। अब हु के बाद कह रहा है कि वर्ब 1 या वर्ब 5 लाइए। तो यहां पर हम वर्ब 1 भी ला सकते हैं और वर्ब 5 भी ला सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं कोई सिंगुलर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो हु टीचेज इंग्लिश टू यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसे आप चाहे तो दूसरे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि पढ़ाते हैं वर्ब कौन पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि सब्जेक्ट किसमें तलाश कर रहा है, किसे क्या पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी क्या से मिल रहा है तो इसको डायरेक्ट, और किसे पढ़ाते तुम्हें तो यह हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसे आप चाहें तो इनडायरेक्ट को पहले और डायरेक्ट को अंत में भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर समझना है कि जब अगर यह सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेगा, हु जब सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेगा तो उसका स्ट्रक्चर जो है अर्थात रूल जो है वह यही रहेगा, हु प्लस मेन वर्ब। यहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का सारा वाक दिए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सारा वाक इसलिए दिए हैं कि ताकि सभी को इस चीज समझ में आ जाए। अगर ये दूसरा टेंस में होगा तो इसका मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब बदल जाएंगे, लेकिन बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है रूल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब हु अगर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करे तो उसे हम इस नियम पर ट्रांसलेट नहीं करेंगे, उसे हम हुम के नियम से ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हुम एक ऐसा WH वर्ड होता है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वर्ड को हम ट्रांसलेट करते हैं, आपके मकान में कौन रहता है। इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हु लिव्स इन योर हाउस, आपके मकान में कौन रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हम हु का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा सा एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इन सारे को WH क्यों कहते हैं। तो दोस्तों WH इसलिए कहते हैं कि इन सारे WH का शुरुआत जो है W और H से ही होती है, लेकिन हाउ एक ऐसा WH होता है जिसकी शुरुआत WH से नहीं होती है, इसलिए यह एक अपवाद में है। नहीं तो बाकी जो 8 जो WH है इसकी शुरुआत क्या होती है? W या H से होती है, इसलिए इसे WH वर्ड्स या WH क्वेश्चंस कहते हैं। तो दोस्तों हु के बाद अब हम विच का प्रयोग सीखेंगे। विच और हुज ये दोनों ऐसे WH वर्ड हैं जो अपने बाद सीधे ऑब्जेक्ट को लाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले है विच। विच सोज, विच क्या शो करता है, क्या दिखाता है? तो विच सोज सिलेक्शन कलेक्शन एंड च्वाइस, या किसी थिंग्स किसी पर्सन को चुनने या पसंद करने का भाव व्यक्त करता है। और यह फाइंड आउट करता है सब्जेक्ट को भी और ऑब्जेक्ट को भी, अर्थात विच जो है यह भी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है और ऑब्जेक्ट को, और हुज भी जो है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है और ऑब्जेक्ट को। तो अब हम इसका प्रयोग वाक में देखेंगे। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो, तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो,
अब इस वाक्य को बनाएंगे तो सबसे पहले रूल कह रहा है कि विच लिखिए, हम यहां पर लिख दिए विच। विच के बाद क्या कह रहा है रूल, ऑब्जेक्ट लाइए। अब यहां पर देखिए तो पढ़ते हो भर कौन पढ़ते हो तुम, कहां पढ़ते हो तो कॉलेज में। अब यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है कॉलेज में, तो देखिए तो क्या यह कॉलेज जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन ये क्या आया है तो एडजंक्ट की तरह आया है, क्योंकि एडजंक्ट के बारे में हम सेकेंड वीडियो में बताए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में या तो कोई नाउन हो सकता है कोई प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या आया है तो एडजंक्ट आया है। तो इस एडजंक्ट को हमको तोड़ना होगा, अर्थात इसको अलग करना होगा। अलग करने के लिए क्या करना होगा, प्रीपोजिशन जो मे जो आया है इसको हमको क्या कर देना होगा, इससे अलग कर देना होगा। तो इन प्रीपोजिशन का अंग्रेजी हम वाक्य शुरू में लगा देंगे या वाक्य अंत में लगा देंगे। तो इन विच कॉलेज डू यू रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां रीड के जगह पर अगर हम स्टडी ही करें तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। अब अगला वाक्य है तुम कौन सा पुस्तक चाहते हो, इसमें भी बनेगा विच से, विच बुक डू यू वांट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हुज सोच पजेशन और ऑनरशिप, यह हमें अधिकार को शो करता है, और हुज जो है यह सब्जेक्ट को भी फाइंड आउट करता है और ऑब्जेक्ट को भी फाइंड आउट करता है। अब इसका हम वाक्य को देखेंगे, तुम किसके घर में रहते हो, अर्थात इस वाक्य में किसे फाइंड आउट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूल क्या कर रहा है कि सबसे पहले हुज लिखिए, हम यहां पर लिख दिए हुज। हुज के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या रहा है, घर में। अब इसमें देखिए घर के साथ प्रीपोजिशन, अर्थात यहां भी एडजंक्ट के रूप में आ गया। अब इसके में का अंग्रेजी हम वाक्य शुरू में कर दिए, इन हुज हाउस डू यू लिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम किसके घर में रहते हो, इन हुज हाउस डू यू लिव, या इस इन को हम लास्ट में कर सकते हैं, हुज हाउस डू यू लिव इन, तो भी गलत नहीं होगा। अब अगला वाक्य है तुम किसको पसंद करते हो, तो देखिए अब हम देखेंगे हुम को। हुम हमें क्या शो करता है, क्या दिखाता है, तो हुम सोच पार्टनरशिप और पर्सन, यह किसी व्यक्ति को या पार्टनरशिप को दिखाता है। और हुम एक ऐसा डब्ल्यूएच वर्ड है जो सीधे सिर्फ किसको फाइंड आउट करता है, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे तुम किसको पसंद करते हो, अर्थात यहां किसको फाइंड आउट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। अब इसे बनाएंगे तो रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले हुम लिखिए, हम यहां पर लिख दिए हुम, इसके बाद डू या डज, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लाएंगे हम डू डज को, तो यहां पर तुम है तो क्या हो जाएगा डू, इसके बाद यू, यानी हुम डू यू लाइक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है व्हाट, व्हाट सोच नेम प्रोफेशन एंड थिंग्स, यह हमें किसी का नाम पूछने के लिए, उस किसी का पेशा पूछने के लिए, या किसी वस्तु के बारे में पूछने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। और व्हाट क्या फाइंड आउट करता है, तो देखिए दोस्तों व्हाट जो है, व्हाट जो है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है, और एडजेक्टिव को भी फाइंड आउट करता है, या सब्जेक्ट को भी फाइंड आउट करता है, ऑब्जेक्ट को भी करता है, और एडजेक्टिव को भी करता है। जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, अब अगर इसे हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज योर फादर डू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है क्यों, अर्थात व्हाई, व्हाई सोच रीजन एंड पर्पस, व्हाई क्या शो करता है, तो किसी कारण और उद्देश्य को भी व्यक्त करता है। जैसे वह सुबह में क्यों रोता है, तो रोने का क्या कारण है, इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाई डज ही वीप इन द मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अगला डब्ल्यू एच है हुयर, हुयर का मतलब होता है कहाँ। हुयर सोच प्लेस पोजीशन एंड डायरेक्शन, यह जो है प्लेस को पोजीशन को और डायरेक्शन को शो करता है। इसका वाक्य देख लेते हैं,
वे लोग प्रतिदिन कहां जाते हैं? वेयर डू दे गो एवरी डे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है व्हेन। व्हेन सोच टाइम इन इंक्वायरी, यह हमें समय को दिखाता है, जैसे तुम कब जगते हो। व्हेन डू यू गेट अप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है लास्ट है हाउ। हाउ सोच फीलिंग, मीडियम, मेथड एंड हेल्थ। इसका बात देखेंगे, रोहित विद्यालय कैसे जाता है, हाउ डज रोहित गो टू स्कूल। तो दोस्तों, इसके अलावा भी फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।